हेलो एवरीवन, मैं यक सेठ, सी ऑफ वाई केस ग्रुप, आपका स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फेज चल रहा है। बहुत सारे आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं। कल मैंने खाली आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया था कि रूल्स आ चुके हैं, हम लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको डिटेल्ड वीडियो देंगे। तो यही उसके कुछ पेपर्स, ये कुछ हमारे कंक्लूजन्स कल से। नहीं तो मेरे पे 100 से ज़्यादा कॉल्स आए होंगे, मेरे टीम पे 200 से ज़्यादा कॉल्स आए होंगे कि MLM में क्या चल रहा है, एमवे, वेस्टीज, ओरी फ्लेम, टपोवेयर बंद कर देने पड़ेंगे, ऐसा कई जगह दिखा रहे हैं। कई जगह ऐसा दिखा रहा है कि MLM ही बंद हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो जाएगा। कई यूट्यूबर्स कई चीज़ें बता रहे हैं। तो सर, क्लैरिटी चाहिए कि अब एज ए डायरेक्ट सेलिंग ओनर एंड एज ए डायरेक्ट सेलर हमें क्या करना चाहिए। तो नहीं तो कल से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। बहुत सारे कॉल्स, इवन जो रूल्स ड्राफ्ट करने की पैनल में थे उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, काफ़ी चीज़ें। कई लोगों ने ऐसा बताया कि बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो चार दिन में या 7 दिन में एक नया वर्जन भी आने वाला है इसका, अपडेटेड, करेक्टेड, उसमें कुछ करेक्शंस होने वाले हैं। बट अभी अपने इसी को लेके चलेंगे कि ये फाइनल ड्राफ्ट है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। कोई भी इंडस्ट्री में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तब लोगों का भरोसा और बढ़ता है। गवर्नमेंट रूल्स क्यों बनाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहती है, उस इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहती है, उस इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहती है। अगर अगर ये ड्राफ्ट की वजह से कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई MLM बंद कर दो, MLM अब चलेगा ही नहीं, या डायरेक्ट सेलर जाओ वहाँ रुक जाओ, कुछ मत करो, तो रूल्स क्यों बनाए? समझ रहे हो? रूल्स क्यों बनाए? गवर्नमेंट एक सेंटेंस में लिख देती कि कल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को बंद कर दो। अगर चलाना ही नहीं है तो फिर ये बनाया क्यों? समझ रहे हो मेरी बात? डायरेक्ट सेलिंग को देखो, जब रूल्स होते हैं तब हमें पता है व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। तो इलीगल चीज़ नहीं करनी है, लीगल चीज़ को कैसे आगे ले जाना है वो क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि इसमें ऐसा लिखा है कि अब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कहीं पर है ही नहीं। लोग अपने तरह से इंटरप्रेट करके कुछ भी फैला रहे हैं। मतलब मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, कई सोशल मीडिया पेजेस जिनका MLM डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से लेना देना नहीं है, वो लोग लिख रहे हैं कि एमवे, ओरी फ्लेम विल, उनको दिक्कत पड़ने वाली है या ऐसा होने वाला है। वो पोस्ट इंस्टाग्राम से सबसे लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बेफिक्र रहो। क्योंकि इंडिया में लोगों को ऐसा ही लगता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब ये 2-5-10 कंपनियां हैं तो उस 2-5-10 कंपनियों को इम्पैक्ट करेगी। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 5 लाख से लोग ज़्यादा रोजगार लेते हैं, इसकी वजह से हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट करेगी, छोटी छोटी कंपनीज पे भी इसकी इम्पैक्ट होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना, सबसे पहला पॉइंट है सभी MLM कंपनियां बंद हो जाएगी, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद हो जाएगी, सभी डायरेक्ट सेलर्स कुछ मत करो। अगर आप मनी सर्कुलेशन में नहीं हो और आप पैसा उठा के पैसा रिटर्न करने वाली कंपनी में नहीं हो, आप बेफिक्र रहो। जेन्यूनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जनरेशन बाइनरी टू लेवल टू लेक जनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बेफिक्र रहो। खाली आपकी कंपनी को कुछ अपडेट्स जो इसमें लिखी है वो करनी पड़ेगी, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे, उसमें भी 90 दिन दिए हमें, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। तो सबसे पहली चीज़, MLM बंद नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं होने वाला है, वरना गवर्नमेंट क्यों रूल बनाती? सेकेंड, बहुत सारे आर्टिकल्स, अब जैसे इसमें ऐसा बताया गया कि एमवे बंद हो जाएगी या एमवे पिरामिड स्कीम्स में आती है तो एमवे को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईडीएसए के चेयरमैन है रजत बैनर्जी, जो एमवे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और
आईडीएस से रजत बैनर्जी पर्सनली पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लगे हुए हैं ये रूल्स रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करने में। एक कॉमन सेंस से बंदा बता सकता है कि जो बंदा पैनल में है रूल्स रेगुलेशन की, वो अपनी कंपनी को तो सेफ साइड करेगा। मतलब जो लोग बता रहे हैं ना सब बंद होने वाला है, उसको कॉमन सेंस से देखने के लिए पैनिक मत हो, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताऊं, 2016 में जो गाइडलाइन आई थी और इससे पहले जो गाइडलाइंस आई थी जिस पे हमने वेबिनार किया था, वो दोनों में यही लिखा हुआ था, कुछ चेंज किया ही नहीं है गवर्नमेंट ने, तो तब पैनिक क्यों नहीं हुए थे, तब कोई चेंजेस कर लेते। तो ये सिर्फ एक मीडिया का परसेप्शन है, जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का नहीं पता चलता उनका एक बनाया हुआ हवा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो लिखा है वो हम लोग एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एज अ डायरेक्ट सेलर फॉलो कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। अच्छा है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम में बहुत कंफ्यूजन है कि क्या एमवे पिरामिड स्कीम में आता है, क्या ओरिफ्लेम पिरामिड स्कीम में आता है, क्या वेस्टिज पिरामिड स्कीम में आता है। तो सबसे पहली चीज, पिरामिड स्कीम, चलो उसके शेप की वजह से उसको पिरामिड स्कीम कहा जाता है, बट पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि इसके पैसे से ही इनकम हो रही है। मतलब सबसे पहला एंट्री में सब्सक्रिप्शन, एंट्री चार्ज या सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी लगी खरीदी फिर दूसरे को रिफर किया, दैट्स इट। तो ऐसी कंपनियां जो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब मैंने 10,000 डाला तो मेरे ऊपर वाले को उससे 15 मिल रहा है, कहीं से कहां से आ रहा है पता नहीं, तो पहला तो मैं 10 डालूं वो वाली कंपनियां कोई नहीं चलेगी। दूसरा सब्सक्रिप्शन फीस, मतलब पैकेज भूल जाओ भैया, पैकेज पे काम करना बंद कर दो, पैकेज पे काम नहीं करना है, प्रोडक्ट रिफर करो, प्रोडक्ट्स को जेन्युइनली लोगों तक पहुंचाओ और उसके हिसाब से अपना अच्छा खासा काम कर सकते हैं, या तो कॉम्बोज एज अ प्रोडक्ट अपने प्रमोट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रास्ते मैं दिखाऊंगा, इसके बाद एक सेशन आएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग के ड्राफ्ट में क्या क्या है। अब इसमें से एक कंक्लूजन निकलेगा कि एज एन ऑन गोइंग कंपनी आपको क्या करना है और नई कंपनी शुरू कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। एक्शन प्लान में बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा ओके यही एक्शन है। तो पिरामिड स्कीम्स में वही लोग आएंगे जो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, जिसमें पीयर टू पीयर मनी जाता है, मतलब मैंने जो पैसा दिया ना वो सीधा उसको डबल होके मिल रहा है, तो वो सब में पिरामिड स्कीम्स में आता है सब्सक्रिप्शन फीस। सेम टाइम बहुत बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने हर जगह पैसा लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच सेल्स गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज आप पूरे ड्राफ्ट में देखना। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्या सर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स चलेगी, बिल्कुल गवर्नमेंट ने छाती ठोक के लिखा है हर जगह गुड्स और सर्विसेज। तो 2016 में जो स्पेक्युलेशन उड़ा था कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स या सर्विस कंपनीज को दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम है, वो जेन्यून नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने हर जगह स्पेसिफिकली गुड्स और सर्विस मेंशन किया हुआ है, तो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट का कंसर्न निकाल दो। अभी भी लोगों को क्वेश्चन होता है कि गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो गुड्स आप बेच रहे हो उसका ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए। इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे क्या लगी, अगर आप पढ़ोगे तो भी पता चलेगा कि वहाँ पे लिखा है ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो पहले मैं भी कन्फ्यूज था, इससे पहले जो गाइडलाइंस थी कहीं पर गवर्नमेंट ने कोई मॉडल्स, बिजनेस प्लान्स, बिजनेस टाइप्स को डिफाइन नहीं किया था। अभी गवर्नमेंट ने लिख दिया है ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो जो जेन्युइन मॉडल्स है डायरेक्ट सेलिंग के उन सब में ये रूल्स अप्लाई करने हैं, तो गवर्नमेंट ने एक ओपन हैंड दे दिया है। उसके बाद अगर आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और एक फिजिकल ऑफिस नहीं है तो अगले 90 दिन में अपने को वो रजिस्टर करके शोकेस करनी है वेबसाइट पे, और आप नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आपका एक फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि सर वो हमारा ओन्ड होना चाहिए, खरीदिया हुआ होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के टाइम भी चाहिए होता है, तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके पास तो होती ही है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना है तो आपको एक ऑफिस, या तो आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वहाँ पर आपका बोर्ड होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, तो वो सभी डिटेल्स
यहाँ पे होगी। तो फिजिकल ऑफिस इन इंडिया और यही एड्रेस हर जगह शोकेस करना है, इनवॉइस, वेबसाइट, एवरीवेयर। उसके बाद हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिकली ये डेटा ऑलवेज हैंडी रखना है। कभी भी कोई मांगे, मतलब आपके पास होना चाहिए एक तो COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA जो प्राइवेट लिमिटेड के साथ आता है, पैन नंबर, GST नंबर, ITR अगर एक साल से ज़्यादा हो गया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और उसको स्टोर करना ज़रूरी है, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो या तो आपके पास फिजिकली हर एक डायरेक्ट सेलर का रजिस्ट्री का डिटेल हो, या तो डिजिटली आपके पास हर एक डायरेक्ट सेलर के रजिस्ट्रेशन का डेटा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जितने भी क्लाइंट बेस है या नए लोग बन रहे हैं, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि इसको हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे, तो आप सब बेफिक्र रहो। उसके बाद ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, आपका जो ब्रांड नेम है प्रोडक्ट का, आपके कंपनी का, उन सबके ट्रेडमार्क होना कंपलसरी है। प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस, कुछ जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके, तो इतनी चीज़ें एज एन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके पास होनी चाहिए। ना हो तो ये लिस्ट फिर से सुन लेना, तो ये लिस्ट प्रिपेयर कर देना। कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, तो अभी क्लियर कट गवर्नमेंट ने बता दिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। ये तीन फॉर्म ऑफ कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करनी हो तो। मेंटेन प्रॉपर एंड अपडेटेड वेबसाइट विथ रेलेवेंट डिटेल्स। सो अगर आपकी वेबसाइट है, मतलब इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, वेबसाइट बनाते ही है अपने, तो वेबसाइट में आपकी डिटेल्स अप टू डेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को हमारी सभी वेबसाइट्स डायनामिक रखेंगे, जिसमें जो डेटा अपडेट होना चाहिए वो पूरा डेटा डायनामिक होगा, जो एडमिन पैनल से आप जब चाहो अपडेट कर पाओगे। अभी अपने सभी सॉफ्टवेयर्स में ऐसा ही है, उसमें कुछ चीज़ें अपने ऐड ऑन करेंगे जो गवर्नमेंट बोल रही है कि होना चाहिए। गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि आपकी वेबसाइट पे एक इंसान को उसका लीगल नेम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस और दूसरी जितनी भी ब्रांचेस हो वो सभी ब्रांचेस का एड्रेस विथ पिन कोड, आपके कंपनी के ग्रीवेंस ऑफिसर एंड नोडल ऑफिसर। सो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ग्रीवेंस ऑफिसर एंड नोडल ऑफिसर रिक्रूट करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे और वही ऑफिसर्स को शोकेस करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। ग्रीवेंस ऑफिसर के अपने खुद के एक रोल है, वो रिजोल्यूशन करना, वो आगे आएगा। नोडल ऑफिसर के अपने खुद के एक रोल है, वो उनको जस्टिफाई करना होगा। तो ये डिटेल्स वेबसाइट पे प्रॉपरली होनी चाहिए। ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल आईडी, नाम एंड मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ें होना कंपलसरी है। नोडल ऑफिसर का नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अब जैसे ग्रीवेंस की बात है, उससे पहले इश्यू आईडी कार्ड, ओके। सो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स को आईडी कार्ड इश्यू करना कंपलसरी है। अब ये आईडी कार्ड कब इश्यू कर पाएंगे अपने, तो ऐसा लिख रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ के वेरिफिकेशन के बाद ही आईडी कार्ड इश्यू होना चाहिए। तो इसमें हम लोग टेक्निकली क्या करेंगे, अपना जो KYC मॉड्यूल होता है, तो KYC अप्रूव होने के बाद ही सॉफ्टवेयर में आईडी कार्ड जनरेट होगा, वो आईडी कार्ड प्रिंटेबल फॉर्मेट में जनरेट होगा। तो KYC हो गया, जिससे हमारे पास आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो गया, वो वेरीफाई होने के बाद हमने आईडी कार्ड इश्यू कर दिया। आईडी कार्ड आगे आएगा ये पॉइंट कि जो भी आईडी कार्ड इश्यू कर रहे, एक डायरेक्ट सेलर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके पास आईडी कार्ड होना कंपलसरी है। अभी मानो किसी कंज्यूमर को, मतलब जो एंड यूजर है, डायरेक्ट सेलर जिसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, या तो कोई डायरेक्ट सेलर को कोई प्रॉब्लम है कंपनी से, या कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कोई इश्यू है जिसको रेस करना चाहते हैं, पे आउट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, XYZ, तो उनको कंप्लेन करने पर हर एक कंप्लेन का टिकट आईडी जनरेट होना चाहिए और ये टिकट आईडी का पूरा कंप्लेन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, जिसको लीड करेंगे ग्रीवेंस ऑफिसर। ये टिकट नंबर्स क्यों है, जैसे ही कोई बंदा कोई कंप्लेन रेस करेगा
ये टिकट नंबर जनरेट हो गया, उसको SMS या ईमेल पे मिल जाना चाहिए। उस टिकट नंबर से वो बंदा जबी भी चाहे उसके कंप्लेन का स्टेटस जानना, वो उस कंप्लेन आईडी से जान, वो टिकट नंबर से जानना चाहिए, तब जाके इस तरह का सोल्यूशन हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देना है। अब किसी ने कोई कंप्लेन रेस करी है तो उसका रिस्पॉन्स विद इन 48 वर्किंग आवर्स हो जाना चाहिए, एंड वो जो कंप्लेन है उसका सोल्यूशन 30 डेज में हो जाना चाहिए जो भी प्रॉब्लम हो। एंड कोई ऐसी आपदा है या कोई ऐसा रीजन है कि 30 डेज में आप नहीं कर पाओगे तो रिटर्न में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंज्यूमर को, एंड फ्यूचर में अगर कोई लीगल एंटिटी पूछती है तो कि क्यों 30 डेज का 40 डेज हुआ, 45 डेज हुआ, 50 डेज हुआ, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन। तो ये टिकट नंबर वाला काफी इंटरेस्टिंग है, एंड कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा रहेगा, और अगर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज इसको फॉलो करती है तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है ये। इसमें हमारी गाइडलाइंस में रिपीटेटिवली वो चीज बहुत कवर करी है कि मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के साथ आनाकानी, मतलब रॉन्ग कमिटमेंट मत करो। जैसे अपने सबको पता है कि एक जमाने में डायरेक्ट सेलिंग में ब्रेसलेट्स बिकते थे, उसमें बोले ऐसे करके खड़े रह जाओ, अपने ब्रेसलेट पहना है तो आप हिलोगे भी नहीं, आपको आप बीमार नहीं पड़ोगे, बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट लेता है तो आप में तुरंत एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। तो ये मिस सेलिंग हो गया, रॉन्ग कमिटमेंट्स हो गए। कई कई ऐसी एग्जांपल्स है कि आपके उसमें नमक है कि नहीं, मुझे नाम नहीं बोलने, आप सब कनेक्ट कर लोगे। कई टेस्टिमनीज मैंने ऐसी देखी है कि मेरे में ये वाला खून है, मैं ये टैबलेट्स खाता हूँ इसलिए मच्छर भी मुझे नहीं काटता है, मच्छर भी काटने से डरता है, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आप मोटिवेट करने, इंस्पायर करने के लिए कर रहे हो, बट बहुत रॉन्ग इम्प्रेशंस जिनको पता चलता है ना इंडस्ट्री या प्रोडक्ट या एक्चुअलिटी या जेन्युइनिटी का, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये सिर्फ मोटिवेट कर रहा है। तो जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स में है वो आप शोकेस करो, जेन्युइनली प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है वो आप बताओ, बट उसको बढ़ा चढ़ा के इतना मत बढ़ा लो कि मतलब एक दिमाग वाला इंसान समझ जाए कि भाई ये एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, ये हवा में बातें चल रही है। तो मिस सेलिंग मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है, मिस सेलिंग। अगर कोई डायरेक्ट सेलर भी मिस सेलिंग करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेनी पड़ेगी, बट उसकी सजा दोनों को भुगतनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलर एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो कोई डायरेक्ट सेलर मिस सेल करके आता है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हाथ खड़े नहीं कर सकती, और कोई प्रोडक्ट कहीं पे पहुंची है जिसको डायरेक्ट सेलर ने वो दी है और वो कंप्लेन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे करता है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एज वेल एज डायरेक्ट सेलर दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि वो प्रोडक्ट पहुंचाने में डायरेक्ट सेलर का उतना ही हाथ था। आपकी हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी, प्राइजिंग, प्राइजिंग का ब्रेकअप, टैक्सेशन, एग्जैक्ट कितने में पड़ेगा, उसको कितने में सेल आउट हो रहा है या पार्शियल पेमेंट्स है कि तीन महीने, हर महीने 2000 2000 2000, तो उसके स्केड्यूल की क्लैरिटी वो एज ए कंपनी करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अभी तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं ऐसा, या आपने ये बोला इस पॉइंट में ये भी ज़रूरत है, ये भी समझना है कि ये भी डाउट है, या ये हमें गलत लग रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना शुरुआत से। एक एक कमेंट मैं पर्सनली पढ़ूंगा, टीम को बोला हुआ है, ये टॉपिक मैं पर्सनली मैनेज करूंगा, तो एक एक कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, ज़रूरत पड़ी तो उसके रिप्लाइज वीडियो के थ्रू भी आएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें बहुत स्पीड में ये चीज़ें करनी पड़ेगी। देन हाँ, हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है। सो पार्टनर विथ कन्वर्जेंस प्रोसेस। तो हर एक कंपनी, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं, बहुत सारी कंज्यूमर जो कंपनीज है जो एंड कंज्यूमर को सर्व करती है, उन सब के लिए कंपलसरी है कि आप रजिस्टर हो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। तो
अब से हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने पास और 88 डेज बाकी है, उसमें ये सभी प्रोसेस अपने आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी के अभी तो कुछ लीगल इलीगल नहीं है, ऑलमोस्ट 28 मार्च से ये चीज़ें लागू होना शुरू होगी। अब एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है जिस पे काफ़ी हमारे इंटरनल जो डिसाइड करने वाले हैं उस पे आनाकानी भी हुई, और कुछ इस तरह से लिखा है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहे। तो 13th नंबर के पेज के सेक्शन 6E में लिखा है, वो टॉपिक है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, ऑप्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, ओ GST, परमानेंट अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन, ऑल एप्लीकेबल ट्रेड रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस, एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ, कई लोग ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हर एक डायरेक्ट सेलर, हर एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलर को अपना GST नंबर लेना पड़ेगा। ये अगर इंटरप्रेट करना तो उस तरह से भी हो सकता है, बट जो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ट्रेड रजिस्ट्रेशन हर एक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिप्रेजेंट करना चाह रही है कि ऐसे डायरेक्ट सेलर्स जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीद के खुद लेके खुद की फ्रेंचाइजी, होम फ्रेंचाइजी या शॉपी पॉइंट से सेल आउट करने वाले हैं, उन सभी को GST नंबर, पैन नंबर, ट्रेड लाइसेंस एंड दूसरे एप्लीकेबल लॉ फुलफिल करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल चीज है, अगर मैं शॉपी नहीं ली, मैंने कोई तरह की सेंटर नहीं लिया हुआ छोटे से छोटा, तो मैं GST नंबर का करूंगा क्या मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो उन हर एक पे मुझे बिजनेस इनपुट्स देगी कंपनी? वैसा तो कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद मैं सेल आउट करूंगा, GST नंबर है मेरा, तो मैं मेरे टीम में किसी को सेल आउट करूंगा, किसी प्रोस्पेक्ट को, तो उसमें बिल में मेरा नाम आएगा? नहीं, सोल्ड बाय जो भी XYZ कंपनी है उसी का नाम आएगा, तो फिर GST नंबर कंपनी का ही जरूरत पड़ेगी। पर जब मैं उस प्रोडक्ट्स को अपने वहां पे रखता हूं और मैं सेल आउट करता हूं जिसमें सोल्ड बाय में मेरा नाम आता है, कंपनी का सिर्फ लोगो रहता है, तब जाके मेरे GST नंबर, पैन नंबर एंड हर एक ट्रेड रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एंड डायरेक्ट सेलर के लिए ये नहीं है, जो होम शॉपी या कुछ ओपन कर रहे हैं या फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं उन सबको ये लेना कंपलसरी है। उसके बिना कंपनीज, मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत कंपनीज, अभी तक हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऐसा किया है कि हर एक डायरेक्ट सेलर GST नंबर नहीं लेता, क्योंकि एक बार लेने के बाद उसको भरना ही पड़ता है। तो अब से जितनी भी फ्रेंचाइजीज ओपन हो रही है, होम फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है, सेंटर पॉइंट, पिकअप पॉइंट ओपन हो रहा है, हर जगह पे GST नंबर, पैन नंबर, ट्रेड लाइसेंसेस लेने कंपलसरी है। इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा। उसके बाद ये है कि वो हमने डिस्कस कर लिया, आईडी कार्ड के बिना डायरेक्ट सेलर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड कोई भी काम करना है कंपनी रिलेटेड, डायरेक्ट सेलर के पास उसका आईडी कार्ड लटकाया हुआ होना कंपलसरी। आईडी कार्ड के बाद परचेस के दौरान प्रोडक्ट शोकेस करो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का कुरियर चार्ज, टैक्सेशन, A to Z चीज़ें ब्रेकअप में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई हिडन कॉस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, कैन नॉट चार्ज एनी एंट्री फीस एंड सब्सक्रिप्शन फीस। ये एकदम छोटी लाइन में लिखा हुआ है बट इसका इम्पैक्ट कुछ टोटल 500 लाइन्स होगी, उसमें से 5 या 10 लाइन्स के ही इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं हमारे एग्जीक्यूशन पे, मतलब जो हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट कुछ ही लाइन्स, जैसे एक छोटू सी लाइन है, कैन नॉट चार्ज एनी एंट्री फीस और सब्सक्रिप्शन फीस, दैट्स इट। इमेजिन करिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग। तो पैकेज भूल जाओ, इसको लीगली कैसे शोकेस करना है पैकेज को, वी हैव द स्ट्रेटेजीज,
तो उस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। हमारे आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमें या हमारी टीम को कोऑर्डिनेट करना, हम लोग उसके सॉल्यूशंस देंगे। बट पैकेज के अलावा इन शॉर्ट कंपनी में आने के लिए एक भी पैसा किसी को देना ना पड़े। फिर उस कंपनी में आने के बाद मैं फ्री में रजिस्टर हो पाऊँ और किसी को रिफ़र भी कर पाऊँ। कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई आपको इतने पैसे का ये करना ही पड़ेगा तब जाके आगे ये कुछ कर पाओगे, तब जाके आपका डायरेक्ट सेलिंग सही में कहा जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। सो नो पैकेज, नो एनी सब्सक्रिप्शन फीस, नो एनी एंट्री फीस। तो पैकेज वाली कंपनीज स्ट्रेटेजीज चेंज कर लीजिए आने वाले 90 दिनों में, या तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दीजिए। आपके लोग किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक आपका जरिया जो है लोगों तक पहुंचने का, वो चेंज करना पड़ेगा। कई बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, वो बंद नहीं हो जाएगी। सो आप बेफिक्र रहो, बट उनको माइनर चेंजेस करना पड़ेगा और आज से जगना पड़ेगा इसके हिसाब से फॉलो करने के लिए। वो फॉलो किए बिना ये चीजें करनी मुश्किल हो जाएगी। ये डायरेक्ट सेलर के लिए है कि डायरेक्ट सेलर कैन नॉट बी कन्विक्टेड बैंकक्रप्ट इन लास्ट 5 ईयर्स और नॉन साउंड माइंडेड, सो मेंटली इल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर, ऐसा बंदा डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता जो कन्विक्टेड है, जिसका बैंकरप्सी का हिस्ट्री है इन लास्ट 5 ईयर्स। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे, मानो के 2018 में आ रहे, तो 2013 से पहले हो तो चलेगा, 13 से 18 में उनके बैंकरप्सी का कोई भी हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो ही आप लीगली डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। और मेंटली डिसेबल्ड या मेंटली इल नहीं होने चाहिए तो आप डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। बाकी डायरेक्ट सेलर की बहुत सारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो, पर मैंने ऐसे ही पॉइंट्स कवर किए हैं जो अभी तक हम लोग जो इंडस्ट्री में कर रहे थे उससे कुछ बदलना पड़ेगा। या तो आपको पता होना चाहिए कि लीगली ये चीज है, वो चेंज को मैंने इसमें कवर किया है। इसमें मैंने जो ये एक और एक 1.5 पेज में कवर किया है, टोटल गवर्नमेंट ने इसको बहुत सारे पेजेस में कवर किया है। उन सब को पढ़ के जो निचोड़ निकला है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ रह नहीं रही है इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे थोड़ा लगा है गवर्नमेंट के साइड से, जैसे उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने लिखा है कि हर एक ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का या कंपनी को अपना फैक्स भी वेबसाइट पे रखना पड़ेगा। फैक्स नंबर कहाँ से लाएंगे हम? एक मतलब अपडेटेड थोड़ा गवर्नमेंट को भी होना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग लिख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन एंड मोबाइल नंबर। तो भाई लैंडलाइन और फैक्स, चलो लैंडलाइन तो अभी भी समझे, फैक्स कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, बट गवर्नमेंट रिवाइज करेगी। वी शुड अप्रिशिएट कि एटलीस्ट रूल्स तो आए 70 साल में। तो डायरेक्ट सेलर, अब जो ये बहुत बड़ा कंसर्न है बट बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कि ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स 2020 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो भी मैंने स्टडी कर लिया है, बट उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। उसमें मल्टी वेंडर से लेके सिंगल वेंडर से लेके हर एक चीज़ों की क्लैरिटी है, तो उसके लिए हमें पूरा डेडिकेटेड डिस्कशन करना पड़ेगा। इसमें लास्ट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एक सेंटेंस में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि इन सब का मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली स्टेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। बट अभी तक क्या था, हर एक स्टेट के खुद के गाइडलाइंस थे। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज देयर रूल्स, तो गाइडलाइन से ज्यादा प्रायोरिटी रहती है रूल्स की। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि सबसे पहले गाइडलाइंस आते हैं, उसके बाद रूल्स आते हैं, उसके बाद एक्ट बनता है। तो हमने ये प्लान ये फेस सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, और ये एक्ट। एक्ट में क्या होता है कि आपने ये नहीं किया तो इतना जुर्माना लगेगा, ये ऐसा किसी ने किया तो 10 साल की जेल होगी, ये नहीं किया तो 1 लाख का जुर्माना। तो एक्ट
एक्ट विल बी मोर डेंजरस फॉर इलीगल पीपल, जो गलत करना चाहते हैं उनके लिए ये गलत है। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था। तो सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल चालू है और चौके छक्के मारेगा, तो आप बेफिक्र रहो, पैनिक मत हो। दूसरी चीज, पिरामिड का डेफिनेशन प्रॉपरली समझिए, उसमें लिखा है उसके साथ, कॉमन सेंस के साथ। तीसरी चीज, 28 मार्च तक जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, हमें ये रूल्स के लिए रेडी हो जाना है। चौथी चीज, पैनिक मत होइए, नेगेटिविटी अगर आ रही है तो उसको समझिए। अगर आपको कोई बोल रहा है यार आपका डायरेक्ट सेलिंग का तो ऐसा हो गया, एमएलएम का वैसा हो गया, बोले भाई कौन सी लाइन पे ऐसा लिखा है मुझे बता दे, हम लोग तो रूल्स लेके घूम रहे हैं, मुझे खाली लाइन नंबर बता दे सेक्शन का, कि भाई कौन से सेक्शन, सिक्स सेक्शन के ई लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि बंद हो जाएगा। अगर बंद करना होता ना, सही बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट इतने पेजेस क्यों बिगाड़ती। गवर्नमेंट एक सेंटेंस में स्टेटमेंट दे देगी कल से डायरेक्ट सेलिंग बंद, कॉमन सेंस है। तो बेफिक्र रहो बट एक्टिव रहो, इसको फॉलो करना है हम सबको मिलके, और इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना है। मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन वाले प्लीज उससे दूर रहिए, एज ए डायरेक्ट सेलर भी आप पे बहुत सारी चीजें आ सकती है। और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके सेशंस होने वाले हैं हमारे डिटेल्ड, वो हमारी टीम के थ्रू आपको मिल जाएंगे। जूम पे काफी मीटिंग्स होगी, आपको मेरे साथ वन टू वन इंटरेक्शन करना है, उसका मौका मिलेगा। उसके बाद एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उस पर अपन काम करेंगे, उसके सेशंस होंगे, वो भी आप मिस मत करना। जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको देता रहूंगा। बाकी आपने यहां तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, आपने नॉलेज के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है तो एक लाइक बटन दबा दो, ऐसी अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Top, top.